हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में खुद को कैसे स्वस्थ रख सके। और जो दोस्तों छोटी मोटी जो बीमारियां होती है, सर्दी खांसी जुखाम जैसी चीज़ें होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों छोटी मोटी चीज़ें भी अगर आपको होती है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो दोस्तों वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इन छोटी मोटी बीमारियों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बारिश के मौसम में अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। उससे पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं होम वर्कआउट और हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप दोस्तों घर में ही स्वस्थ रहें और आपको बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो हमें जो सर्दी खांसी जुकाम ये बारिश के मौसम में ज़्यादातर क्यों होती है। दोस्तों सबसे जो पहला कारण होता है, जैसे बारिश के मौसम में किसी दिन होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो फिर जैसे बारिश छूटी तो अचानक से फिर धूप निकल आती है, तो इससे में क्या होता है कि मौसम में जो बदलाव होते हैं बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। अचानक से जो है टेम्परेचर गिर जाता है और अचानक से फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये जो है हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। नॉर्मली जो हम लोग का जो बॉडी होता है, उसको किसी भी नए इन्वायरमेंट में इंटर करने के लिए कम से कम उसे 10 से 15 दिन का समय लगता है, तो वो नहीं हो पाता है, जिस कारण हमारी बॉडी जल्दी से जो होता है नए वातावरण को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिससे हमारी तबीयत बिगड़ जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अभी जैसा कि बारिश के मौसम में तो क्या होता है, हर जगह मॉइस्चराइजर ही होता है, और दोस्तों यही एक ऐसा मौसम होता है जो मतलब क्या कहेंगे, जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया होते हैं उन लोग के लिए वरदान के जैसा होता है, एकदम अनगिनत फैलने लगते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े वायरस जैसी चीज़ें होते हैं, उसके पनपने का जो एक जरिया मिल जाता है और वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जहाँ देखिए वो हवा, यहाँ तक वायु में भी वो आसानी से फैलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर ऐसे में अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती है, इम्यूनिटी हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होती, तो आपको डेफिनेटली आप बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि दोस्तों हमें जो है इन बैक्टीरिया के आदि जो वायरस हो गए कीड़े मकोड़े से बचना है, यानी कि हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो दोस्तों आफ्टरऑल पहली तो बात हो गई कि हमें बारिश से जो है मौसम के चेंजेस के कारण हमें जो है बीमार हो सकते हैं, या फिर जैसे कि हमारी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर होने से भी जो है हम बैक्टीरिया जो कीड़े मकोड़े आदि के संपर्क में आने से जो है हम बीमार हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ हो गई दोस्तों, जैसे कि अभी बारिश के मौसम में जो होता है हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है वो दोस्तों स्लो हो जाती है, और ऐसे में क्या होता है कि अगर हम तले भुने चीज़ें खा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें को डाइजेस्ट करने में हैवी फूड हो गया, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, जिसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी टाइम लगती है, तो इससे में क्या होता है कि और हम ऐसे चीज़ें खा लेते हैं, डाइजेस्ट हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम स्लो होता है और हम हार्ड चीज़ें खा लेते हैं, तो वो पचा नहीं पाता हो, तो ऐसे में डेफिनेटली आप बीमार हो सकते हैं, आपका पेट ख़राब हो सकता है। तो कहने का मतलब इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि दोस्तों हम वैसे चीज़ें ना खाएं जो तले भुने चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करें। दोस्तों तले भुने चीज़ें जो होता है, मसालेदार चीज़ें होती है दोस्तों, ये कभी भी शरीर के लिए जो होता है ठीक नहीं रहता है। तो बारिश के मौसम में तो वैसे भी हम लोग का इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, तो सवाल ही नहीं बनता है कि ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा होगा। तो दूसरी बात हो गई दोस्तों कि हमें जो है मौसम के बदलाव को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम यही कर सकते हैं कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करें, वैसे चीज़ें खाएं जो अभी जो ठंड बारिश के मौसम में कोशिश करें उबाल के पानी पिएं, या फिर दोस्तों आप जो हल्का गुनगुना पानी उसको ले सकते हैं, कहने का मतलब ताकि आपको जो और प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़ें हैं उसको ले सकते हैं, जिसमें से दोस्तों आप एक विटामिन सी ले सकते हैं, जिससे
जो भी फल सब्जियां हैं जिससे विटामिन सी मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है हमारी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो आप उसको खा सकते हैं। दोस्तों अभी जो होता है अभी बारिश के मौसम में दोस्तों जो साग सब्जी में दोस्तों सब्जी में आप ले सकते हैं, लेकिन साग जो होता है जो पत्तेदार सब्जी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और दोस्तों वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप उन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए आपको, जिससे आप जो है आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।